बाहर ना इसमें कोई नहीं लेटता, मतलब कल से तो लेटना बिल्कुल बंद हो गया सभी का, सभी लोग अब अंदर लेटने लगे क्योंकि ना कल से ना पानी गिरने लगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। सुबह के ना अभी बज रहे हैं 8:30, ऑलमोस्ट नहा वहा करना रेडी हो चुका हूँ। मम्मी ने ना नहा कराया ना तो पहले चाय नहीं, पहले पोहा दे दिए हैं, अभी पोहा खा चुके हैं। और हाँ, मम्मी चाय ला रही है, चाय पीने के बाद सीधे दुकान के लिए, बिकॉज दुकान में ना अभी पूरा सामान नहीं आ पाया, मतलब खाद बीज का सामान अभी शुरू नहीं हुआ। दुकान ऑलमोस्ट ना रिवर्स अपनी आ चुकी है गाँव, बिकॉज क्या था कि उनको भी कुछ डालना है दुकान में और अपना भी कुछ बजट नहीं बन पा रहा था वहाँ का डेली आना जाना, इसी चक्कर में दुकान पर शिफ्ट करना पड़ गया। क्योंकि अब पंडित भी यहाँ नहीं है, मैं पापा जी हैं, तो पापा जी पूरा टाइम दे नहीं पाते दुकान में, तो इसीलिए यहाँ लाना पड़ा, दुकान को शिफ्ट करना पड़ा। और हाँ, अभी ना 3-4 दिन से 5 दिन से कंटिन्यू हम लोगों को ब्लॉग ना नहीं आ पा रहा था, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था। थोड़ा सा ना दिक्कत थी गाँव में लाइट की भी, जैसे इस समय तो लाइट आ रही है, दो कल से कंटिन्यू लाइट है, बट हाँ मौसम ना इतना बन जाता है कि लाइट भी चली जाती है, तो इसी चक्कर में 1-2 दिन तो लाइट के कारण नहीं आ पाया हम लोगों को ब्लॉग। फिर 1-2 दिन ना नहीं आ पाया, दुकान शिफ्ट कर रहा था सुबह से शाम तक, उसी में रह जाओ तो दुकान में वीडियो शूट नहीं कर पाता था। अगर शूट भी कर 1-2 दिन ना किया भी शूट, बट हाँ अपलोड करके ना डाल नहीं पा रहा था एडिट वेडिट करके, तो इसी चक्कर में ब्लॉग हम लोगों को नहीं आ पा रहा था। अब से ना डेली आएगा ब्लॉग, ऐसा नहीं रहेगा कि ना आएगा। तो अभी हम लोगों की ना फर्टिलाइज़र की शॉप में ना धान का सीज़न चालू हो गया ना, धान का भी कोई भी सामान नहीं आ पाया है। कल हम लोगों को शायद कल या परसों तक में हम लोगों का सामान ऑलमोस्ट आ जाएगा। अरुण भैया लोगों को भी चाहिए धान, तो वो भी आज 2-3 दिन से फ़ोन लगा रहा है कंटिन्यू। अब शेख को चाहिए थी खाद वगैरह, तो अब शेख को आज बात करता हूँ, आशीष भैया को बोलता हूँ तो वहीं से दिलवा देंगे आशीष भैया, तो अब शेख का काम चल जाएगा। रह जाएगी धान, तो धान के लिए फिर आशीष भैया को बोल दूंगा तो अपने यहाँ से दे देंगे, क्योंकि अब शेख को यहाँ से दिलवाना मतलब यहाँ से उसको दूर पड़ जाएगा बेचारे को, क्योंकि उसको ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। बाहर का ना मौसम अभी मस्त किया हुआ है पूरा पानी वाला, मतलब किसी भी टाइम से पानी गिरने लगेगा, बट हाँ कोई भरोसा नहीं है पानी गिरेगा भी नहीं, क्योंकि कल भी ऐसे ही मौसम किया था, फिर ना दोपहर तक में अच्छी खासी धूप कर दिया, फिर शाम को अच्छा खासा पानी भी गिर दिया। मस्त चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं, इसके बाद ना यहाँ से पानी वगैरह लेकर, क्योंकि पानी ना मैं यहीं से लिया जाता करता हूँ, क्योंकि वहाँ पानी आता है काफ़ी लेट, पानी नहीं रहता। मस्त 3 लीटर पानी ठंडा हो गया बर्फ़ चिल, उसी को डाल देंगे मस्त अपना जार में, तो अपना काम चलता रहेगा। इस दुकान में ना अभी ना कुछ सामान ना जमाया नहीं गया है, बस ऐसे ही पूरा पड़ा हुआ है, कुछ अलमारियों में पूरे सार रैकों में, बस काउंटर को जमा दिया गया है, इन दोनों को ना मशीन लैपटॉप और ये बड़ी वाली मशीन, और हाँ बुफर, इन सब चीज़ों को जमा दिया गया है। मशीन अपनी ख़राब हो गई है, पता नहीं लाते समय ना कोई उसका टोना वगैरह हर जगह चढ़ गया है, तो सेंसर नहीं काम कर रहे हैं। बोला हूँ जल्द भैया को, देखता हूँ कब तक मैं भेजेंगे बंदे को, वैसे बोला था कि आज भेज दें, बट हाँ खास तो नहीं आया बंदा, शायद कल भेज दे वो बनाने के लिए। अभी तो आज से तो खड़ी है मशीन, बैंक का काम काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब 10-12 ग्राहक तो डेली ही लौट जाते हैं फोटो कॉपी के बिना, तो आज देखता हूँ, आज तो नहीं बन पाए, लेकिन बात करता हूँ उनसे, अगर कल आएंगे तो ठीक, नहीं तो परसों तो फिर करवा ही दूँगा। अपने को ना इस दुकान में एक ही चीज़ की दिक्कत है, वो है ये कि यहाँ गर्मी, क्योंकि हम लोगों को वहाँ ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी, बस बाहर रहती थी, दुकान के अंदर ना गर्मी कुछ खास नहीं रह पाती थी, क्योंकि चारों तरफ से ना बिल्डिंगें बनी थी, धूप भी सामने से नहीं आती थी। और यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इस साइड हम लोगों की दुकान का फ्रंट है और यहाँ से धूप बराबर आती है, बस हाँ दुकान थोड़ी छोटी है अपने उस दुकान के हिसाब से, 17 फीट की वो 22 फीट की थी, और वहाँ डबल थी या सिंगल है, तो यहाँ दोनों एडजस्ट करना पड़ेगा। हो गया, अब धीरे धीरे करके यहीं अरेंज करेंगे। सामने भी एक है भैया, उनकी ना उनका पूरा घर खुला पड़ा है, मतलब खाली पड़ा है, तो वहीं सोच रहा हूँ कि वहाँ गोडाउन बना लूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं अभी धान का सीज़न ऐसे ही चलाएंगे, फिर इसके बाद देखते हैं। अभी 8 बज रहे हैं, और हाँ आज ना मौसम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, और इस समय गाँव में ना जो दुकान है ना वहाँ ना 8 बजे तक मैं दुकान बंद कर दूँ तो ठीक है, क्योंकि फिर गाँव में ना सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं, कोई ज़्यादा बाहर, हाँ इस समय थोड़ा सा घूमते हैं क्योंकि ना चुनावी माहौल चल रहा है गाँव में सरपंच जी का, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा भागते घूमते रहते हैं, बट हाँ इतना ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहता फिर 8 बजे के बाद, तो इसीलिए मैं ना चला आया था, क्योंकि मौसम भी बन रहा था पानी वाला। और अभी आ गए हैं, मम्मी ना कुछ बना रही हैं, गुड़ का गुलगुला वगैरह शायद, तो स्वाती का ना फ़ोन भी आया था 7:30 के आसपास कि खाना हो गरम गरम, तो आ जा, तो अभी जस्ट आ चुके हैं, मम्मी बना रही हैं, गुलगुला बन के आ चुका है मस्त गरम गरम, थोड़ी देर से ना ये ठंडा हो चुका है, बिकॉज गरम गरम ना पूरा खाने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर ठंडा हो जाए इसके बाद खाओ ना मस्त मज़े आ जाते हैं। आटे का रहता है और गुड़ डाल देती हैं घोर कर उसी में, और फिर मस्त तेल या रिफाइंड के साथ बनाती हैं, अच्छा लगता है बरसात के सीज़न में, बाकी दिन तो नहीं अच्छा लगता ज़्यादा, बट हाँ बरसात में अच्छा लगता है। धान वगैरह लाना पड़ेगा ना, इसीलिए कल देखता हूँ ऑर्डर, आशीष भाई के पास बैठूंगा, क्योंकि वो कुछ धान ला लिए हैं, लगभग पूरी ला लिए हैं, तो उनके पास बैठूंगा कौन कौन सी इस बार लाया जाए, तो उनके पास, क्योंकि अपने यहाँ ना जो चलती हैं वही लाना पड़ेगा, हर वैरायटी नहीं चलती, जो किसान बोते हैं उन्हीं को
लाते हैं, बस हो गया, अभी चला जाए खाना खाने। बिकॉज मम्मी ना दो तीन बार बोल चुकी हैं, हालांकि ना ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि मैं ना गुलगुला खा लिया था, तो ज़्यादा पेट में ना जगह नहीं थी खाने के लिए। और हाँ, अभी ना मैं जब फ्रिज खोला तो पता चला आज पापा रीवा गए थे ना आम का ना जूस पर, वहाँ से मतलब जो बनाते हैं ना आम का जूस, वहीं से बनवा कर पैक करवा कर लाए थे। दो लाए थे, मतलब दो पॉलीथीन में लाए थे, एक पॉलीथीन में स्वाति लोग ना पी डाली हैं, स्वाति दादी बब्बा, और एक में अभी बचा हुआ है, तो इसको खाना खाने के बाद मस्त पियेंगे, निकालेंगे, तब तक मस्त चिल हो जाए। चिल तो हालांकि हो चुका है, लेकिन हाँ थोड़ी सी देर और हो जाए चिल। और हाँ एक चीज़ और, अचार मैं लेने आया था खाना खाने से पहले, क्योंकि ये अचार रखा हुआ था, मैं बोला इसको भी ले चलते हैं, मस्त खाते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाई हुई है मम्मा, अभी ना अपना मस्त खाना आ चुका है, मस्त भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और आम का अचार। ये बाज़ार वाला है, घर का नहीं है, घर का ना मम्मी रखी थी, तो एक दो दिन में हम लोग ना मस्त पूरा रपट चुके हैं। और हाँ अभी रखना है कटहल और आम का अचार साथ में। ना सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि बाहर जाओ मतलब पूरा किच किच रहता है, गर्मियों में इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं रहती है। फ़ोन चलाना बंद कर दो, चुपचाप किताब ले लो। कंट्रोल, रात के बज रहे हैं 11। और हाँ बाहर ना इस समय कोई नहीं लेटता, मतलब कल से तो लेटना बिल्कुल बंद हो गया सभी का, सभी लोग अब अंदर लेटने लगे, क्योंकि ना कल से ना पानी गिरने लगा, मौसम मस्त ठंडा रहता है। और हाँ मौसम तो इतना मस्त किया, मस्त छत में बिछाओ और सो जाओ, 1% ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ नींद नहीं आ रही है। और हाँ पेड़ पौधे ना इसमें पानी पा गए हैं ना, पूरे साफ भी हो चुके हैं, हरे भरे होने लगे हैं। अभी चलते अंदर अपना काम करते हैं, लैपटॉप चालू करके रखा है ना। रात के बज रहे 12:30, ऑलमोस्ट ना सभी लोग सो चुके हैं, साथ ही सोने की तैयारी में मैं ना काम कर रहा था लैपटॉप पे, इसी चक्कर में सो नहीं पाई क्योंकि ना लाइट चालू थी, क्योंकि ना जब लाइट बंद हो जाती है ना तो कीबोर्ड में ना कीबोर्ड नहीं दिखाई देता ना लैपटॉप का, इसी चक्कर में लाइट नहीं बंद किया हुआ था। और हाँ अभी काम हो चुका है, सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात भी ज़्यादा होने के बाद ना सुबह फिर ना नींद नहीं खुल पाती। मौसम आज अच्छा किया हुआ है, कूलर नहीं चलाना पड़ेगा अपने को, सिर्फ फैन में काम चल जाएगा। तो अभी इस ब्लॉग को ही पिन करते हैं, होपफुली आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, बाय।